अब खबर दुर्ग जिले से है, जहां एक बीएसपी कर्मी के साथ साइबर ठगी का मामला सामने आया। दरअसल इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि सेक्टर 5 निवासी बीएसपी कर्मी श्याम कुमार ने पिल्लई की ओर से शिकायत दर्ज की है कि उनके मोबाइल पर अनजान व्यक्ति ने कॉल कर ट्रेंडिंग के नाम पर झांसे में लेकर 35 लाख से अधिक की साइबर ठगी की है। उन्होंने बताया कि जैसे ही इस मामले का प्रकरण दर्ज कर जांच की गई तो जांच में मोबाइल नंबर इंग्लैंड का पाया गया। इसके तहत ही एसपी ने कहा कि अगर आपको लगता है कि किसी फ्रॉड का फोन आ रहा है तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। बेसिकली ठगी साइबर से रिलेटेड है। उसमें आजकल एक नया चलन आया हुआ है कि टेलीग्राम ग्रुप बनाकर उसमें ट्रेडिंग या किसी भी कंपनी के रेटिंग बढ़ा के टास्क दिए जाते हैं, उसमें पैसे लगवाए जाते हैं। थोड़ा बहुत शुरू में फ़ायदा दिया जाता है, जब तक छोटे छोटे अमाउंट लग रहे होते हैं तो थोड़ा बहुत फ़ायदा दिया जाता है। फिर बड़े अमाउंट लगा के जब तक टास्क कंप्लीट नहीं हो जाए तो निकलने देने का और पैसे वापस नहीं करने का झांसा देते हैं और पैसा लगवाते चले जाते हैं। उसी क्रम में वो जो आवेदक है उन्होंने 30-35 लाख रुपये लगा दिए हैं और उस पर अपराध दर्ज हुआ है और विवेचना की जा रही है।